से निकल रहा था तो अंदर से मतलब भाव आया, बाबा ने कहा कि 5 मिनट बैठ के जाए यहाँ पे, तो मैं गाड़ी पलटाया और यहाँ पे 5 मिनट आके बैठा। मुझे बहुत शांति मिली, मन में कुछ चल रहा था, असमंजस जैसे था, वो शांति मिली, वो शांति लेके मैं यहाँ से गया। तब से मैं जुड़ा हूँ यहाँ। चौर गणपति, दुर्मुख गणपति, दुर्गति नाशक गणपति। किसी समय इतिहास मिलता है कि चोर गणपति भी बोला जाता था, कि चोर अपने चोरी करने जाते थे नगर में, बाबा से प्रार्थना भी करने की जाते थे कि एक हिस्सा हम आपको देंगे जब अगर हम सफल, तो कुछ बोला गया कि ऐसा भी। चोर गणपति दसों इंद्री जो है, दसों इंद्री की रक्षक, दसों इंद्री की सारी पावर इनके पास में ही है। भगवती के द्वारपाल जिन्हें बोला गया वो यही गणपति, कुंडली के मध्य में भी यही बैठे और यही भगवान शिव के पुत्र बन के गए। दूसरा नाम है दुर्मुख गणपति। दुर्मुख गणपति का अर्थ होता है बाम मार्गी गणपति। तंत्र सिद्धि में इनका बहुत बड़ा विशेष नाम है, तो जो तंत्र की सिद्धि देने वाले हैं वो किसी भी तरीके की तंत्र की सिद्धि देने वाले हैं। और तंत्र की कैसी भी क्रिया, चाहे कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ वो भी कार्य होता रहता है, चाहे मूढ़जनी क्रिया वो भी यहाँ से हटती रहती है, बाबा और बाबा स्वयं हटाते हैं। या कोई अनुष्ठान की बाबा के पास आके बैठना है, बाबा स्वयं हटाते हैं प्रभु की कृपा से। और कहीं कहीं किसी को 5-5 साल भी लेते, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं जो बाबा का चमत्कार नहीं देखा। दूसरा नाम है दुर्गति नाशक। दुर्गति नाशक कुंडली के योगी यहाँ पलट जाते हैं। जिस व्यक्ति का दुर्भाग्य बहुत खराब हो वो बाबा के विशेष आराधना करे, दर्शन करे, क्योंकि अंकपाद तीर्थ क्षेत्र से भी इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं कि कृष्ण भगवान इस क्षेत्र में चले तो अंकपात होना, मतलब अंकों का पात होना, ये भी कहा जाता है कि गजानंद की कृपा से यहाँ उस व्यक्ति को दुर्भाग्य मिल जाता, सौभाग्य मिल जाता। 5 या 11 बुधवार भी आके व्यक्ति को अपना देख ले, जो भी मनोकामना उसकी मनोकामना पूर्ण और अपने जीवन में अनुकूलता देख सकता है। बाबा गजानंद की इसी कृपा है, खुद देखे आके और बाबा का चमत्कार देखे।